नमश के जयकारों के साथ जहां पूरा मेरठ गुंजमान होने लगा है और मेरठ में भी काफ़ी कांवड़ियों की भीड़ यहां उमड़ पड़ी है, ऐसे में मेरठ के ऐतिहासिक मंदिर ओवरनाथ मंदिर में भी सज धज के तैयारियां पूरी हो चुकी है। आइए मिलते हैं यहां के मैनेजर से, जानते हैं क्या क्या तैयारियाँ उन्होंने कर ली हैं। तो हम जानते हैं दिनेश दत्त जी के साथ। मंदिर परिसर में सभी आप देख रहे हैं जैसे कि बैरिकेडिंग व्यवस्था कर दी गई है और बाहर से भी व्यवस्था कर दी गई है, निःशुल्क जूता स्टैंड की व्यवस्था कर दी गई है, मंदिर के गरुड़ द्वार पर लोटों की व्यवस्था, जल की व्यवस्था मंदिर के द्वारा ही की जाती है और किसी भी भक्तों किसी तरह की कोई भी कठिनाई ना हो उसके लिए जैसे बाहर हमने सारी पट्टियां बिछा रखी हैं और अंदर पर्याप्त लोटे हैं, जल है, निःशुल्क जूता स्टैंड है, प्रसाद की 25 स्टॉल बनाए गए हैं जिससे कि किसी भी कांवड़ भक्तों को खाने पीने की कोई भी कमी ना रहे। यहाँ जैसे मंदिर में बताया गया कि स्टॉल लगाए गए हैं 50 प्रसाद के और लोटों की व्यवस्था की गई है, काफ़ी इंतजाम किया गया है। आप देख रहे हैं पीछे बैरिकेडिंग का भी इंतजाम कर दिया गया है क्योंकि यहाँ लाखों कांवड़ियाँ और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो हमने कांवड़ियों के लिए जो समय रखा है वो 8:30 बजे का है, इससे पहले हम 7 बजे सभी जो साधारण भक्त हैं उनके लिए बंद कर दिया जाएगा शाम को 7 बजे से। लाखों कांवड़ियाँ यहाँ आते हैं, जैसे कि दिनेश जी ने बताया कि यहाँ 4 से 5 लाख कांवड़ियाँ आते हैं हर साल, और ऐसे में जानते हैं इनसे सुरक्षा को लेकर, आप बताइए सुरक्षा को लेकर कुछ इंतजाम करे गए हो यहाँ? सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ 36 कैमरे लगाए गए हैं जो गैलेक्सी वालों की तरफ से भी है और 20 कैमरे मंदिर के अंदर लगे हुए हैं जो तीनों मंदिर को गर्भगृह, राधा कृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर और जहाँ कांवड़ियों की व्यवस्था हॉल में की गई है उसमें भी हमने 2 कैमरे लगा दिए गए हैं। CCTV कैमरे का कंट्रोल रूम शिव मंदिर के 1st फ्लोर पे हमने लगा दिए हैं और जैसे कि मंदिर के तरफ से 4 गार्ड, जनरेटर व्यवस्था जो जिससे कि कोई बिजली की व्यवस्था भी ना हो सके, जनरेटर भी बाहर से हमने उपलब्ध करा दिए गए हैं।